بسم الله الرحمن الرحيم. ओके, इसके बाद इसके पहले कनेक्शन जोड़ते हैं। इसमें हमें जो है वो आपकी ये अपने इन पे कनेक्शन करते हैं और फिर उसके बाद हम इसे सप्लाई देते हैं। राइट, ऑन किया हमने तो, और इसको ऑन किया यह, तो एम्पेयर सिर्फ फाइव है जबकि यहाँ पर अराउंड मिली एम्पेयर फाइव तकरीबन यह होने चाहिए थे 30, 28, 35 के अराउंड होना चाहिए थे। इसका मतलब ये कि ये पूरे मदरबोर्ड में यानी बोर्ड में सप्लाई फ्लो नहीं हो रही है, सारी आईसीयू तक नहीं पहुंच रही, तभी लोड नहीं ले रहा है, 5 दिखा रहा है, यानी प्रॉब्लम है। मल्टीमीटर्स चेक करते हैं क्या यहाँ वोल्टेज हैं आपके। 12 वोल्ट आ रहे हैं, राइट, 12 वोल्ट, इट्स ऑल्सो ओके। एंड मेन सप्लाई की जानिब जाते हैं सबसे पहले जी, जो सबसे अहम सप्लाई है आपकी 12 वोल्ट, देखते हैं यहाँ क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर ये जो है वो एक तरह का डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में लगे हुए हैं दोनों, ये यानी कि फॉरवर्ड आपके यहाँ पर सप्लाई दी जाएगी ओके, और ये इसको फॉरवर्ड कर देंगे आगे की जानिब, राइट, इट्स ओके, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर और ये भी आगे की जाने फॉरवर्ड कर देना चाहिए ओके, राइट। अब इस सप्लाई का जो यूज़ किया गया है वो, इट्स ओके, ये सप्लाई आ गई थी यहाँ पर और ये वाली सप्लाई इधर पास हो जाएगी ओके, ठीक है। इसी तरीके से ये सिस्टम इस पर लागू हो गया, राइट, देख लेते हैं ओके। हाँ ठीक है जी, ठीक है, उसमें 12 वोल्ट सप्लाई तो ओके जी, वो हमको देखना है। इसके अलावा 2-3 सप्लाइयाँ कुछ और भी हैं, जैसे 3 वोल्ट है आपकी यहाँ पर है और ये लो ड्रॉप के द्वारा बनी है, ये आपकी है सप्लाई है, राइट, ये सप्लाई बन रही है नहीं बन रही, क्या हाल है इनका भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो लो ड्रॉप सप्लाई बोले तो ये वाली आ गई, इसका मतलब यही कि ये 5 वोल्ट सप्लाई तैयार नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट बनेगी, यही 5 वोल्ट लो ड्रॉप के द्वारा 3 वोल्ट में 2.5 वोल्ट में कन्वर्ट होगी। जब 5 ही नहीं बनेगी तो फिर 5 से तो कन्वर्ट भी नहीं होगी, जो 2.3 या 3 समथिंग इस तरह वोल्ट उसमें, इसका मतलब प्रॉब्लम यहीं पर है 5 वोल्ट में, हमारी मेन सप्लाई ओके है, प्रॉब्लम इधर है। तो अब इसमें हमें इसके लिए जो है ये जो 0.12 अराउंड दिखा रहा है जो गलत है, यहाँ तकरीबन 5 वोल्ट होनी चाहिए थे, तो लो ड्रॉप की जो आईसी है वो ई है, इस ई है, इस पर एक तरफ 5 वोल्ट आएगी तभी दूसरी तरफ भी 3.3 समथिंग वोल्ट आउट करेगी जो कि ये है यहाँ पर। अब जब यहाँ 5 आ ही नहीं रहा है तो ये 3.3 आउट करेगी नहीं, अब 5 कहाँ है, 5 आउटपुट यहाँ पर है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट सबसे पहले तो देखें, 12 वोल्ट अराउंड इस पर आ रहे हैं और इसकी जो आईसी है 5 वोल्ट की, तो इसके लिए ये छोटी सी आईसी जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ये एक तरह से आईसी तो नहीं कह सकते इसको, एक तरह रेगुलेटर कह सकते हैं इसको, रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IC0 मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको, 2980। अब इसका किस तरीके से ये काम है, यानी कि हाई सप्लाई इसकी इनपुट पर होगी और आउटपुट इसकी लो हो जाएगी। अच्छा, इस पे दे रखा है इन्होंने कि पिन नंबर 1 जो है वो विन है, यानी कि हाई वोल्टेज सप्लाई हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज हो जाएंगे, राइट, 2 नंबर ग्राउंड हो जाएगी, राइट, एंड 3 ऑन ऑफ है, वो सिग्नल लॉजिक इनेबल सिग्नल आएगा जो CPU से गालिबन आएगा, इनेबल सिग्नल तभी जो आउटपुट देगी। अगर यहाँ पर इनेबल सिग्नल नहीं आया तब भी ये आउटपुट नहीं देगा, इनेबल सिग्नल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, लॉजिक हाई इनपुट इनेबल,
पिन नंबर 4 जो है वो एनसी यानी नॉट कनेक्टेड है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा वी आउट हो गया आउटपुट रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज, राइट। हम इसी आईसी को सबसे पहले देखते हैं, काफ़ी अहम आईसी है क्योंकि 5 वोल्ट ही जनरेट बना रही और ये 5 वोल्ट तो कई जगह इस्तेमाल में आती है, अगर ये नहीं होगी तो पूरा ईसीएम जो है पूरा काफ़ी हद तक काम नहीं करेगा ये। तो अब हम देखते हैं इस पर कहाँ से क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है, आईसी ख़राब है।